हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ श्रीलंका के वीजा से रिलेटेड। तो रिसेंटली 17 अप्रैल को श्रीलंका ने ईटीए सिस्टम से हटके ई वीजा सिस्टम पे स्विच किया है और ई वीजा सिस्टम श्रीलंका ने वीएफएस ग्लोबल की हेल्प से लॉन्च किया है। तो अभी तक जो ईटीए लगता था वो श्रीलंका ने इंडियन टूरिस्ट के लिए फ्री किया हुआ था, तो वो अप्लाई करने के लिए आपको $0 पे करने होते थे। लेकिन ई वीजा स्कीम जो कि श्रीलंका ने वीएफएस ग्लोबल के साथ टाई अप करके लॉन्च करी है, कहने को वो फ्री है फॉर इंडियंस, लेकिन उसमें आपको वीएफएस ग्लोबल की सर्विस फीस देनी पड़ती है जो कि समवट अराउंड $21 के आसपास आपको पे करना होता है। तो जो श्रीलंका बोल रहा है कि उन्होंने इंडियन टूरिस्ट के लिए फ्री ई वीजा स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें से श्रीलंका का जो वीजा की कॉस्ट है दैट इज $35 वो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है, लेकिन वीएफएस ग्लोबल अभी भी अपना सर्विस चार्ज ले रहा है जो कि $21 के आसपास है। तो श्रीलंका का वीजा इंडियन टूरिस्ट के लिए एग्जैक्टली फ्री नहीं है, ईटीए फ्री होता था, लेकिन अब जो 17 अप्रैल 2024 से उन्होंने ई वीजा की स्कीम स्टार्ट करी है वो फ्री नहीं है। तो अपडेट में बस यही था। उसके अलावा एक मैं इशू हाईलाइट करना चाहता हूँ जो आजकल बहुत सारे टूरिस्ट फेस कर रहे हैं, मेरे वीडियोस पे भी कमेंट आ रहे हैं और यूट्यूब पे मैंने और भी वीडियोस देखे हैं जिनके नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो इश्यू क्या है कि 17 अप्रैल से पहले कुछ लोगों ने ईटीए लगवा लिया था श्रीलंका जाने के लिए, तो जिन जिनका भी ईटीए अप्रूव हो गया था और उसी समय अगर उन्होंने डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट ले लिया था तो वो इजीली श्रीलंका जा सकते हैं, उसमें कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या हुआ है कि उन्होंने 17 अप्रैल से पहले ईटीए तो लगवा लिया था, वो अप्रूव भी हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना ईटीए का जो अप्रूवल आता है उसको डाउनलोड करके प्रिंट नहीं लिया था। तो अब जब से श्रीलंका ई वीजा स्कीम पे शिफ्ट हुआ है तो उन्होंने पुरानी जो ईटीए वाली वेबसाइट थी वो बंद कर दी है, तो जिसकी वजह से जिन यूजर्स का ईटीए ऑलरेडी अप्रूव्ड है वो अपने ईटीए को डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि पुरानी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एक नई वेबसाइट एग्जिस्ट करती है और जो पुराना वेबसाइट का यूआरएल था वो भी नई वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है जो कि वीएफएस ग्लोबल की है। और अगर वो लोग ई वीजा वालों से कॉन्टेक्ट करते हैं अपने ईटीए से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी के लिए तो उन्हें ना एंटरटेन किया जाता, ना उनकी क्वेरी रिजोल्व की जाती, ना उन्हें बताया जाता आपका अगर ईटीए अप्रूव्ड है तो आप यहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपका ईटीए अप्रूव्ड है तो आप सिंपली ट्रैवल कर सकते हैं श्रीलंका, उन्हें कोई किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। तो ये सब कन्फ्यूजन हो गया है जब से श्रीलंका ने ईटीए से ई वीजा पे स्विच करा है, क्योंकि उन्होंने स्विच तो कर लिया लेकिन पुराना जिनका भी ईटीए अप्रूव हो गया था मतलब उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। अगर कोई ईटीए डाउनलोड करना भूल गया है तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है अपना अप्रूव्ड ईटीए को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेने का। तो ऐसे कई क्वेरीज मेरे पास आ रही है, ये काफी ज्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो अगर आपने भी ईटीए अप्लाई किया था और रिसेंटली आपने श्रीलंका ट्रैवल किया है उस ईटीए की हेल्प से तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि और लोगों को हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई सोल्यूशन मिला है आपका अप्रूव्ड ईटीए डाउनलोड करने का तो वो भी प्लीज शेयर करना ताकि जितने भी लोग ये वीडियो देखें उन सबको एक सोल्यूशन मिल सके, क्योंकि करंटली इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ जो कि श्रीलंका के ई वीजा डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की है। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट करके देखो, मे बी हो सकता है कि कोई सोल्यूशन मिल जाए, और अगर कुछ सोल्यूशन मिलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि आपके थ्रू और लोगों की भी हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।